हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य सर हियर। आज के लेक्चर हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। हमारे क्वेश्चन का पहले मतलब समझिए। हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि कॉस्ट ऑफ अ पेन, जो भी एक पेन की कॉस्ट है उसका जस्ट डबल हमारे नोटबुक की कॉस्ट है। अब आप इसे मैथमेटिकली कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले आप ले लीजिए नोटबुक की कॉस्ट, आपको पता नहीं इसकी प्राइस कितनी होगी नोटबुक की, आप उसे एक्स ले लीजिए। लेट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी रुपीज एक्स, ये आपने ले ली नोटबुक की कॉस्ट। अब आप पेन की कॉस्ट लेंगे तो वो भी आपको नहीं पता कितनी है, तो उसके लिए भी आप क्या करिए, कोई एक वेरिएबल ले लीजिए। मैं कह लेता हूँ लेट कॉस्ट ऑफ ए पेन बी रुपीज़ वाई, मैंने ले लिया कि उसकी कॉस्ट वाई है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चले हम लोग, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस है, मतलब कि नोटबुक की आपकी कॉस्ट कितनी है एक्स है, ये क्या है जस्ट डबल है, मतलब दो गुना है। यहाँ पे देखिए ट्वाइस है, ट्वाइस किसका कॉस्ट ऑफ अ पेन, पेन की कॉस्ट कितनी वाई है, तो टू वाई, मतलब कि टू ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ट्वाइस है, ये किसकी कॉस्ट थी नोटबुक की और ये पेन की, तो जस्ट डबल है। तो ये आपने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपने ये मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात आती है कि इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दिखाना है, क्या दिखाना है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर मैं 2y को यहाँ ले आऊँ, RHS से LHS ले आऊँ, तो ये माइनस का हो जाएगा, अब यहाँ कुछ बचेगा नहीं तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये आपकी जो फॉर्म है ये एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की फॉर्म है। देखिए इसमें पावर दोनों पे वन है और ये दो वेरिएबल्स, एक एक्स है और एक वाई है, और आप सब जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म होती है AX प्लस BY प्लस C इक्वल्स टू जीरो, यही फॉर्म होती है, और देख लीजिए बिल्कुल वैसे ही फॉर्म हमारे पास निकली है। तो इसी तरह से आप इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकालेंगे कि एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू जीरो। बस यही चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या होता है कि इन क्वेश्चंस में कई बार लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया जाता है, ट्वाइस को थ्राइस कर दिया जाता है, जैसे यहाँ ट्वाइस है तो थ्राइस कर देंगे तो यहाँ थ्री हो जाएगा, फोर टाइम्स, इस तरह से वो बढ़ाते रहते हैं, लैंग्वेज बस चेंज करते हैं लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ शेयर दिस लेक्चर टू योर क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।